सो गाइज, ये रम पैरेट्स हैं, ठीक है। और कई लोगों को रम पैरेट्स और रोजिला के बीच का फर्क नहीं पता, मैं आपको बता दूं। रोजिला की वीडियो इसके बाद आप देखेंगे, इसके बाद मैं जो अपलोड करूंगा वो रोजिला की वीडियो होगी। रोजिला और रम पैरेट में सिंपल सा फर्क है, रोजिला जो है वो ज्यादा महंगा है, और रोजिला जो है महंगा होने के साथ साथ थोड़ा सा हैवी है, वेट उसका ज्यादा होता है, बॉडी साइज भी थोड़ा इससे थोड़ा सा ज्यादा होता है, थोड़ा सा होता है इसलिए पता नहीं चलता। ये है रम पैरेट्स, RUM कहते हैं इनको, RUMP भी कहते हैं, रम पैरेट्स भी कहते हैं इनको। तो ये रम पैरेट्स हैं, ये रोजिला से हल्के होते हैं और उससे थोड़े कम पैसों में आ जाते हैं, हालांकि इतने कम पैसों में नहीं आते ये। बट इनकी ब्रीडिंग की अगर बात की जाए तो ब्रीडिंग इनकी बहुत अच्छी है और कॉकटेल की तरह ही है। कॉकटेल जैसे 12 के 12 महीने ब्रीड करता है, ये भी कर देते हैं ब्रीड 12 के 12 महीने इनका भी। और इनका जो है ना फीड करवाने का कोई इशू नहीं आता, क्योंकि इनकी चोंच बहुत बड़ी होती है, हो साइज इनका कॉकटेल के जितना ही होता है या उससे भी थोड़ा सा छोटा हो सकता है, लेंथ की बात कर रहा हूँ। लेकिन ये फीड बहुत अच्छी कराते हैं और इनका कारोबार भी बहुत अच्छा है, मतलब इनमें समझें कि रम पैरेट्स बेचने वाले लोग बहुत ही कम है, कॉम्पिटिशन बहुत कम है। तो कोई अगर ऐसा है जिसके पास ऑलरेडी बड़े बड़े सेटअप चल रहे हैं, तो अगर इसमें भी डालना चाहे तो डाल सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक, बिकती हर चीज़ है, सब बिक जाता है, ठीक है। आज से कई साल पहले आपको याद है ना फिंचों के साथ क्या हुआ था, उसके बाद फिर दोबारा मार्केट में आ गई, अभी फिर नीचे जाना शुरू हो गई हैं, सब निकालना शुरू हो गए हैं, फिर कुछ दिन बाद दोबारा जाल का रेट खुलेगा 1600 रुपये से, 1500 रुपये से। तो ये सब मैं बचपन से देख रहा हूँ, ठीक है। आप उसको तो हटा ही दें पीछे, लेकिन ये रंप देखें आप, ये ना तो मेरे पास अभी रखे हुए हैं, मैं या कभी रखूँगा ज़िंदगी में या नहीं रखूँगा वो बात की बात है, मुझे खुद नहीं पता, ठीक है। मेरे पास तो बजट ही नहीं हो पाता इतना, बट स्टिल मैं अपनी एक आइडिया बता रहा हूँ कि अच्छी चीज़ है। ऐसी चीज़ अगर कोई बंदा है पैसे वाला है, ऑलरेडी काम वाम कर रहा है, जानता है बर्ड्स को रखना और हर वैरायटी रखता है, हर चीज़ अपने पास रखता है कलेक्शन में, तो यार इट्स नॉट अ बैड आइडिया कि अगर आप जो है वो इसके 3 पेयर 5 पेयर अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहो तो कर सकते हो। देखो अच्छा शौक है इसका, कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये, और इजी टू हैंडल है, स्मॉल पैरेट्स हैं, अगर आप हैंड फीड करवाते हैं तो खेलने कूदने वाले बर्ड्स हैं, मज़ेदार काम है इसका, तो आप इसमें भी लगा सकते हैं अपना पैसा अगर आप चाहें, अगर आपके पास हो तो, ठीक है। कोई ऐसा बंदा है पहले कभी कुछ नहीं रखा, डायरेक्ट इसमें घुसना चाह रहा है, डायरेक्ट पहली वीडियो ये देख ली, तो भाई आप थोड़ा सा ध्यान से, ये वीडियो जो है उनके लिए है जो पुराने लोग हैं, ये नए बंदे के काम की चीज़ नहीं है। आप नए हो, ये थोड़ा सा जाहिर सी बात है आपके लिए बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होगा, तो जो पुराना बंदा है वो देख लेगा कर लेगा, नया बंदा भी रख सकता है, बट एक मेरी एक आइडियोलॉजी डिफरेंट है ना। नए बंदे को मैं कहता हूँ बेटा जाओ फिंचे रखो, बजीज रखो, पैसा उसमें नहीं है लेकिन आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, आपको टेस्ट ऑफ ब्रीडिंग आप चख लोगे, डायरेक्टली मकाओ खरीद के बैठ जाओगे तो 6 साल तक घूमते रहोगे, जाहिर सी बात है ना। जो लोग मकाओ से ब्रीड करवाते हैं उनसे पूछ लें आप कहाँ से वो ब्रीड करवाना शुरू हुए और कहाँ जाके ब्रीड आई और कब जाके उन्होंने बेचना शुरू किए, कमा बहुत अच्छा रहे होंगे, मगर उनकी स्टोरी उनसे सुन लेना, वो आपको बता देंगे। हर चीज़ का एक तरीका होता है, एक रास्ता होता है, ठीक है। आप छलांग लगा के आसमान के ऊपर नहीं चढ़ सकते, ये याद रखिएगा। वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वरना दिल दुख जाएगा मेरा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।